पैसा मिलाना आसान है और पैसा नहीं मिलाना कठिन है। अभी मैं इसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ ये वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे हॉस्पिटल नागपुर, मुंबई, पुणे यहाँ भी है। लोग पैसे से बहुत परेशान हैं। उनको लगता है कि हम अपने को पैसा मिलता नहीं है, पैसा कमा नहीं सकते, हम अमीर नहीं हैं। मैं हरदम ये बोलता हूँ कि अमीर बनना आसान है, अमीर नहीं बनना कठिन है। बोला ऐसा कैसा आप बोलते हो? बोला भाई पैसा, किसी को भी पैसा यदि मिलाने का है ना तो पैसा मिलाना बहुत आसान है। लोग हैं ना, बेसिकली लोग आलसी है, लोग काम नहीं करना चाहते, लोग हार्डवर्क नहीं करना चाहते। हार्डवर्क कैसा करना उसके लिए लोग मालूमात नहीं कर लेंगे। अच्छा, सिर्फ हार्डवर्क करके भी पैसा मिलता नहीं है ये उनको मालूम है, और तभी भी कुछ लोग हार्डवर्क करते रहेंगे। यदि हार्डवर्क करके पैसा मिलता रहता तो रिक्शा वाला बहुत अमीर बनता था। तो हार्डवर्क करके भी पैसा मिलता नहीं है, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क होना जरूरी है, उससे भी पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलाने के लिए काम करने पड़ते हैं। हमारे इसमें बहुत ऐसी कहावत फेमस है कि पैसे क्या पेड़ को लगते हैं, पैसा क्या मिलाना आसान है, पैसे पेड़ को लगते हैं। मतलब हाँ, पैसे पेड़ को लगते हैं, लिटरली पैसे पेड़ को ही लगते हैं। फर्क इतना है कि वो पेड़ आपने अपने घर पे लगाया नहीं है। आपने देखा होगा कि जो लोग होटल ताजमहल में मुंबई में, उन्होंने साल भर के लिए बुकिंग किया हुआ है, एक कमरे का साल भर के लिए बुकिंग किया हुआ है। ऐसे कुछ लोग हैं कि उन्होंने वो कमरा जो 50,000 रुपये रोज का होगा उसका साल भर का बुकिंग किया हुआ है। इसका मतलब उन्होंने उनके घर में पैसे का पेड़ लगाया हुआ है, इसलिए तो वो उतना पेमेंट कर सकते हैं। आपने नहीं लगाया, आप गरीब है, और आप गरीब है क्योंकि आप धनवान नहीं बनना चाहते। लोग पर्पजफुली धनवान नहीं बनना चाहते, क्योंकि धनवान बनना है, अमीर बनना है, पैसे कमाना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो भी क्रिएटिव करना पड़ेगा, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी। हम क्या है? हम है कंज्यूमर, हम क्रिएटर, क्रिएटर नहीं है। जैसा मोबाइल अच्छा आ गया बाजार में तो मोबाइल खरीद लेंगे, मगर अच्छा मोबाइल मैन्युफैक्चर करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यह सोचेंगे नहीं। अच्छा शर्ट मुझे पहनने का है, मगर अच्छा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग करने का मैं सोचूंगा नहीं। अच्छा खाना मुझे चाहिए, होटल में जाके मैं अच्छा खाना खाऊंगा, मगर अच्छा होटल में डालूंगा और वहाँ लोगों को सर्व करूंगा और अमीर बनूंगा, ये लोग सोचते नहीं है। तो लोग कंज्यूमर्स हैं, लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, फियर ऑफ फेल्यूर है। तो ये जब सब है आपके ऊपर कि फियर ऑफ फेल्यूर है, रिस्क लेने का नहीं है, फिर कंफर्ट जोन छोड़ने का नहीं है, आलसीपना है, बस पड़े रहने का है, जो चल रहा है वो चलने दो, ऐसा है, तो फिर क्या, फिर अमीर कैसे बनेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे? जो चल रहा है वो चलने दो, ऐसा आपने किया तो क्या होगा? जो अभी तक आपने पिछले 3 साल किया है वही आगे 3 साल आने वाले करने वाले करेंगे। तो अभी तक जो 3 साल में आपको मिला वो आगे 3 साल में आपको मिलने वाला है। मैंने एक को पूछा कि भाई आपको, आप कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, एक डॉक्टर को पूछा, तो बोले मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है? बोले मैंने 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो मतलब आपको 25 साल का एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिस में, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस 25 बार है। 1 साल का एक्सपीरियंस 25 बार है, क्यों? क्योंकि आपने 1 साल में जो काम किया वही काम आप 25 बार वही करते जा रहे हैं। बताइए आपने 25 साल में क्या नया किया? आपने नया तो कुछ भी नहीं किया। 25 साल पुरानी दवा लिख रहे, 25 साल पुराना आपका पैटर्न है वही कर रहे, नया क्या किया आपने? तो आप नया करते नहीं हो, नई क्रिएटिविटी नहीं है, वो हमको करना नहीं है, नया सीखने का नहीं है, आलसीपना है, पड़े रहने का है, जो चल रहा है वो चलने दो, ऐसा है, तो फिर पैसा कैसे मिलेगा? क्रिएटिविटी लगती है। एक ही उम्र में, एक ही जिंदगी में लोग मल्टी बिलियनर हो गए। हमारे सामने काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। धीरू भाई अंबानी का एग्जाम्पल है कि जो यही जिंदगी में लोग मल्टी मिलियनर बने। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, कोई भी आप कितने भी, नाम लूंगा नहीं मैं, कितने भी बड़ी बड़े कंपनियां और बड़े बड़े, उन्होंने जो अभी क्रांति लाया आईटी सेक्टर में, या मतलब टेली कम्युनिकेशन में, या जो भी अभी जो जो नए 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 डेवलपमेंट हो रहे उसमें, सब लोग एक ही जिंदगी में और कुछ सालों में, चंद सालों में, 10 साल में अमीर बन गए।
तुमने कुछ तो भी किया, सोचा, क्रिएटिविटी लाई, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया और उससे वो अमीर बन गए। तो आपको अमीर बनना है, आपको पैसे कमाने का है, पैसा कमा के मजा करने का है लाइफ में, तो फिर देखिए क्या संभव है आपको वो करो। मैंने आपको जो बोला वो आप करते हैं तो डेफिनेटली पैसा कमाना बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, मगर उसके पहले हर पतंग को एक दिन आसमान छू के आना पड़ता है। एक दिन तो हमको सबको मरने का ही है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मगर उसके पहले जो भी आप कर सकते हो और जो भी आप सफ़र कर रहे हैं ज़िंदगी का, वो कैसा कर रहे, उसमें कैसी मजा पा रहे, उसकी उसमें कैसी मजा ले रहे और किस तरह के इंसान आप बन रहे, बस वो महत्व का है। तो मेरा ऐसा मतलब नहीं कि पैसे ही कमाओ, पैसा कमाते कमाते आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं होगी तो आप पैसा कमाओ और दान कर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दान कर डालो, मगर आप वो जो व्यक्ति बनेंगे वो करते करते, वो व्यक्ति बनना वो महत्वपूर्ण है, तो वो व्यक्ति बन जाओ। ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन आएगा उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। हमारा जो मकसद है वो मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, एडिक्शन फ्री इंडिया, उसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।